हेलो, आज मैं क्लास ट्वेल्थ की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पे बात करेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर मैं चर्चा करूँगा। तो पहला प्रश्न है कि विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल दिया जाता है तो कूलम नियम से। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को समझें। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। तो पहले आप लोग आंसर चूज करें, मैं तो बताऊंगा ही इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर 1/4 गुना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं, दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों में अनुपात है। तो आप लोग सोचे पहले क्या होगा, ए बी सी डी में 1:1, 2:1, 1:2। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा 1:1। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक अपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन आर हो सकता है। तो एप्सिलॉन आर को जो है ऐसे डिनोट्स करते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन आर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप लोग पहले चूज करें और फिर मैं बताऊंगा। ए में है -1, बी में 0 और सी में 0.5 और डी में है 5। तो इसका आंसर निगेटिव में भी नहीं होगा। ठीक है, 0 तो नहीं होगा इसका और 0.5 भी नहीं होगा। जब ये होगा क्वांटम में होगा, इसका सही आंसर 5 हो जाएगा, 5। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, धातु का परावैद्युतांक होता है तो धातुओं का परावैद्युतांक जो होता है वो अनंत होता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है न्यूटन पर कूलम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, दो विद्युत आवेश वायु में परस्पर आर दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर एफ बल लगाते हैं, के परावैद्युतांक वाले परावैद्युत आर दूरी पर रखने पर भी वह उतना ही बल अनुभव करते हैं, तो आर का मान है, तो आर का मान जो हो जाएगा वह R/√K हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है, दो सजातीय व बराबर आवेश क्यों को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश क्यों रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। तो क्यों का मान जो होगा -Q/4 आंसर हो जाएगा, -Q/4। अगले क्लास में मैं बताऊंगा गॉस थ्योरम में जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो मैं लेकर आऊँगा। आप लोग देखते रहे मेरे चैनल को ताकि सही ऑब्जेक्टिव मिल सके। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है तो विद्युत क्षेत्र में एक स्थिर आवेश उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उन पर लगने वाले विद्युत बल बराबर होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उन पर लगने वाले विद्युत बल के परिमाण बराबर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, एक फिर पृथक चालक गोलों को कुछ धनावेश दिया जाता है, इसका द्रव्यमान घट जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर दी वाचिंग। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।